जो कि अभी तक आपने YouTube पे नहीं देखा होगा, आई एम श्योर ऐसे डिजाइन और पैटर्न आपने नहीं देखे होंगे। तो टोटल 8 ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लुक एट दिस ब्लाउज, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इन सभी को मैंने पिक किया है एक इंस्टाग्राम स्टोर से जो कि है यूनिक कलेक्शन करके। इस इंस्टाग्राम स्टोर पे आपको डिजाइन एंड पैटर्न काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, प्लस ऐसे डिजाइन एंड पैटर्न है कि आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। प्लस आपको कभी भी क्वालिटी को लेके कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो शेयर की हुई है एंड उन वीडियो को आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जिन लोगों ने भी वहां से ब्लाउज परचेज किया है, क्वालिटी बहुत पसंद आई है उनको। एंड अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई बटन में डाल दूंगी। इनके जो इंस्टाग्राम का लिंक है, जो इनके कॉन्टेक्ट नंबर है, इनके व्हाट्सएप नंबर है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड सभी ब्लाउज के बारे में डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में पूछेंगे, तो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी की कभी आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई भी चीज शिप करते हैं, भेजते हैं, तो पर प्रोडक्ट ये चेक करते हैं कि कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, कोई अलग प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आपके साथ वो कंडीशन कभी नहीं आएगी कि आपको एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया है, या फिर आपको मिल गया है कि ऐसा प्रोडक्ट कि आपने मंगवाया कुछ और था और आ कुछ और गया, तो वो चीज़ कभी भी आपके साथ नहीं होगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो विदाउट एनी डाउट आप परचेज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ओनली प्रीपेड ऑर्डर अवेलेबल है। आपको कैश ऑन डिलीवरी, अगर कोई मन में डाउट है और अगर आप चाहते हो कैश ऑन डिलीवरी ही लेना, तो आप क्या कर सकते हो, इनसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। वीडियो कॉल पर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आपको जो भी ब्लाउज लेना हो आप वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट ब्लाउज से। वैसे तो आज के हॉल में सभी ब्लाउज मेरे फेवरेट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाला फेवरेट है वो है ये रेनबो वाला ब्लाउज। लुक एट दिस ब्लाउज, मतलब मैंने यार इतने सारे ब्लाउज के आज तक हॉल किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन ऐसा ब्लाउज आज तक नहीं देखा। मतलब इतना प्यारा लग रहा है, जब मुझे मैंने ये पिक्चर में देखा तो देखते ही रहा, मैंने सोचा यार ये तो परचेज करना है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे मिला तो यार सीरियसली मुझे लगा कि यार इतना ज़्यादा वर्थ इट है ये। अगर आप एक ब्लाउज ऐसा ले लो तो ऐसा है कि आपके सभी साड़ियों के साथ चल जाएगा। प्लस इतना ज़्यादा डिजाइनर लगता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये इस तरीके का रेनबो पैटर्न में है। लुक एट दिस, आपको इस तरीके का रेनबो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। कितने अच्छे से शाइन कर रहा है ना, रेनबो वाला लुक आ रहा है, तो वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। प्लस एक डिजाइनर ब्लाउज है, इस तरीके की आपको इसमें नेक देखने को मिलेगी, बैक आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, बैक क्लोजर है, यहाँ पे आपको हुक्स दिए गए हैं तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्लेन साड़ी के साथ भी या फिर किसी भी साड़ी के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो, इतना प्यारा लुक आएगा। प्लस ब्लाउज है ना, जो पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छे पैड इन्होंने यूज किए हैं। अंदर की साइड आपको प्रॉपर लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, फिनिशिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये है फ्री साइज में, अप टू 34 से अप टू 38 तक एम से एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा, बहुत ही अच्छी से मार्जिन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आराम से आप इसे ऑल्टर करा सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सभी में स्लीव्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते तो स्लीव्स भी अटैच करा सकते हैं। पर मेरी माने तो इस ब्लाउज को इसी तरीके से पहनना, लुक इतना ज्यादा प्रीटी आएगा। सभी की प्राइस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ, जो है बहुत ही प्यारा सा ग्रे कलर का इस तरीके का सिक्वेंस ब्लाउज। एंड आज जो मैंने कलर्स पिक किया वो उस अकॉर्डिंग किए हैं कि यार आपके बहुत सारी साड़ियों के साथ चल जाए। वैसे सभी में आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि मुझे ये कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट लग रहे थे, तो आप एक बार देख लेना। तो इस तरीके का आपको ग्रे कलर का एक ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। एक तो सभी पैटर्न ब्लाउज है, सेकेंड थिंग कि सभी में आपको अंदर की साइड स्लीव्स अटैच मिल जाएगी, तो स्लीवलेस वाला कोई भी इश्यू नहीं है, तो आप इजीली स्लीव्स लगवा सकते हो। एंड इस तरीके का ये वाला ब्लाउज है, ये है ना, इन्होंने कॉटन फैब्रिक इसमें यूज किया हुआ है, प्लस इसके ऊपर इस तरीके से लाइनिंग पैटर्न में बड़े वाले सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, और सिक्वेंस इन्होंने स्टिच नहीं किए हुए हैं, स्टिच किए हुए हैं जो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अंदर की साइड आपको प्रॉपर कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, पैटर्न ब्लाउज है।
एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका आप बैक देखोगे ना तो बैक बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इस तरीके का आपको बैक देखने को मिल जाएगा, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। और ये भी है फ्री साइज में अप टू 34 से अप टू 38, जो कि अगर आप एम से एक्सल साइज में भी है ना तो भी आपके आराम से आ जाएगा। एंड स्मॉल में भी है तो भी आप आराम से ऑल्टर करा सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने इतना मार्जिन इसमें अंदर दिया हुआ होता है, डबल डबल लाइनिंग में मार्जिन दिया है, तो आराम से ऑल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज मिलेगा एंड फुल लुक आप साइड में देखना, प्राइस में सभी की यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ, जो है बहुत ही ट्रेंडी सा क्लासी सा एक शर्ट स्टाइल ब्लाउज। लुक एट दिस ब्लाउज, जब मैंने इसे देखा यहाँ पे देखते ही मैंने सोचा यार ये वाला ब्लाउज कितना अमेजिंग है, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी के साथ इस तरीके के ब्लाउज काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं और अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना आप पिक कर सकते हैं। मैंने इसमें क्रीम कलर पिक किया क्योंकि एक ऐसा कलर है जो डार्क साड़ी के साथ बहुत ही आराम से चले जाएगा, प्लस सिल्क की साड़ी के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। इसमें आपको इस तरीके की कॉलर वाली शर्ट देखने को मिल जाएगी, प्लस आप देख सकते हो ना फ्रंट क्लोजर है, यहाँ पे आपको इस तरीके के बटन्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसका फैब्रिक है वो है चंदेरी सिल्क प्लस कॉटन फैब्रिक, कुछ ऐसा फैब्रिक मिक्स है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। प्लस आप जो ये लाइनिंग देख रहे हो ना ये पूरी जरी वाली लाइनिंग है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो ये शाइन भी करती है। पूरा जो फैब्रिक है ब्लाउज का थोड़ा शाइनी फैब्रिक है एंड बैक कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये भी पैडेड ब्लाउज है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, पैड की क्वालिटी अच्छी है। इसमें भी आपको अंदर की साइड स्लीव्स अटैच देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो स्लीव्स अटैच करा सकते हैं। और ये भी फ्री साइज में है, यानी कि अप टू 34 से अप टू 38 एक्सल साइज तक आपकी आराम से आ जाएगा। जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर वर्क का ग्रीन कलर का ब्लाउज है। आपने मेरे हॉल में मुझे मिरर ब्लाउज पहले भी पहने हुए देखा होगा, क्योंकि मुझे मिरर वर्क के ब्लाउज हो गए चाहे लहंगे हो गए बहुत पसंद है। लेकिन वो वाला ब्लाउज है ना वो बैक से मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। जब मैंने यहाँ पे ये वाला ब्लाउज देखा तो मैंने सोचा यार ये पिक करते हैं, कि इसमें आपको पूरी डीप बैक देखने को मिल जाएगी। और जिन्हें डीप बैक वाले ब्लाउज पसंद है वो डेफिनेटली इस ब्लाउज को लेना, काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, लुक काफी अट्रैक्टिव आ जाता है एंड डीप बैक मिलेगी। प्लस यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए बस दो डोरी दी गई है जिन्हें आपको टाइप करना है, बाकी पूरा पीछे से आपको ओपन ब्लाउज देखने को मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी तो अमेजिंग है ही। इसमें आपको फुल मिरर का काम देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो ना कितना फिनिशिंग क्वालिटी कितनी प्यारी है, एक भी मिरर नहीं हट रहा है, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। और ये ब्लाउज ऐसे हैं आपके वार्डरोब में होने चाहिए, क्योंकि पार्टी वेयर ब्लाउज है, किसी भी प्लेन साड़ी के साथ या फिर रेड और पिंक कलर की साड़ी के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है ग्रीन कलर, तो डेफिनेटली आप ले लेना। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफी सारे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। ये भी फ्री साइज में आपको देखने को मिलेगा अप टू 34 से अप टू 38 एम से एक्सल साइज तक आराम से आ जाएगा। अटैच अंदर आपको इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी और अंदर ही कॉटन का फैब्रिक देखने को मिलेगा, पूरी लाइनिंग लगाई हुई है कॉटन फैब्रिक की, तो समर्स के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। प्लस एक पैडेड ब्लाउज है तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। और बहुत सारे लोग ये कॉमेंट करेंगे कि दी ये चुभेगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, मिरर्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट पैड यूज किए गए हैं। तो नेक्स्ट ब्लाउज मैंने पिक किया है, ये मैंने ऑलरेडी एक साड़ी के साथ अपने एक मीशो हॉल में पहना हुआ था, क्योंकि जस्ट अभी मिला और मैंने इसे पेयर अप भी कर लिया, तो यार उस दिन बहुत सारे कॉमेंट आए थे एंड रियली काफी ज्यादा खूबसूरत है इसका भी डिजाइन। ये आपको फुल सिक्वेंस वाला ब्लाउज देखने को मिलेगा, ये है इसका फ्रंट, इसमें भी आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप ले लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लेना है। लेकिन मुझे सिल्वर कलर काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था और इसमें जो इन्होंने सिक्वेंस यूज किए ना बिल्कुल छोटे छोटे सिक्वेंस इन्होंने यूज किए हैं, तो आप क्वालिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। पैडेड ब्लाउज है प्लस बैक भी आपको कुछ इस तरीके का इसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दो स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी जिसे आप टाइप कर सकते हो बैक में एंड प्रॉपर अंदर लाइनिंग वगैरह अटैच की हुई है कॉटन की, तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होता ऐसे ब्लाउज को पहनने के बाद, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी प्लेन साड़ी के साथ ब्लाउज कैरी करना है तो इन ब्लाउज को आप कैरी करिए, काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक आएगा। एंड मुझे सिल्वर कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सभी साड़ियों के साथ बहुत ही आराम से चले जाएगा। इसमें भी आपको अंदर की साइड जो है
स्लीव्स अटैच देखने को मिल जाएगी एंड साइज वो ही सेम अप टू 34 से 38 है। तो अगर आप एम से एक्सल साइज में है तो आपके आराम से आ जाएगा, ऑल्टर वगैरह ये आराम से हो जाते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इन्हें करा सकते हैं। प्लस बैक में आपको क्लोजर देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी यार सभी ब्लाउज की एक से बढ़ के एक है, क्वालिटी को लेकर कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप मार्केट से कोई फैब्रिक लेते हो देन उसे स्टिच कराते हो ना, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि मैं पहले ये कर चुकी हूँ। पहले मैं क्या करती थी, जो भी ब्लाउज पसंद आते थे या फिर किसी का भी डिज़ाइन देख लिया या फिर नेट पर से सर्च किया, उसका सेम फैब्रिक लेना, वैसा ब्लाउज स्टिच कराना। मतलब एक ब्लाउज आपको 1000 से अबव ही मुझे पड़ता था एक डिज़ाइनर ब्लाउज, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में डिज़ाइनर ब्लाउज देखने को मिल रहा है। तो यार बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो ट्राई करती हूँ अब सारे रेडीमेड ब्लाउज लूँ, क्योंकि फिटिंग भी आराम से हो जाते हैं, प्लस डिज़ाइंस आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। ब्लाउज आपको मैंने काफ़ी सारे दिखा दिए, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्लेन में स्टाइलिश ब्लाउज। तो प्लेन ब्लाउज आपकी वार्डरोब में जरूर होने चाहिए, बिकॉज हैवी साड़ी के साथ प्लेन ब्लाउज का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेन ब्लाउज तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा यूज में आते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाला ब्लाउज देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, इसका बैक मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा। प्लेन ब्लाउज है बिल्कुल, ये आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिलेगा। फ्रंट है ये इसका पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पैड है सभी में एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी आपको स्लीवलेस देखने को मिलेगा, अंदर की साइड स्लीव्स अटैच आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनना है आप स्लीव्स अटैच करा सकते हैं। मैंने इसमें ये मजेंटा कलर पिक किया क्योंकि मेरे पास पिंक कलर में बहुत सारे ब्लाउज हैं लेकिन सारे हैवी थे, सिंपल में कोई ब्लाउज नहीं था। प्लेन में या प्लेन ब्लाउज की बहुत ज़्यादा नीड होती है अगर आप साड़ी पहनते हो तो मैंने ये वाला ब्लाउज देखा वहाँ पे, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्लस डिज़ाइन है ना, ये पीछे का जो पैटर्न है ना इसका बैक का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे इस तरीके के जो टसल्स होते हैं ना, बड़े वाले टसल्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बैक में जब आप इसे टाइप करते हो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो मैंने ये पिक कर लिया, इसमें भी आपको बैक क्लोजर देखने को मिलेगा। साइज वही सेम है 34 से 38 तक, यानी कि एम टू एक्सल आपके आराम से आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा, प्रॉपर अंदर कॉटन की लाइनिंग है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यार मैंने सोचा ये पिक करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गए पार्टी वेयर ब्लाउज की बात, अब मैं आपको बताती हूँ प्लेन ब्लाउज, क्योंकि प्लेन ब्लाउज मेरे पास है तो काफ़ी सारे, लेकिन कुछ कलर ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं थे एंड जो पहले वाले प्लेन ब्लाउज भी है ना वो भी मैंने सारे यहीं से लिए हैं। तो अब ये दो कलर है जो मेरे पास नहीं थे प्लेन में एंड मुझे लेने थे, क्योंकि प्लेन ब्लाउज ऐसे होते हैं ना सभी साड़ियों के साथ आराम से चले जाते हैं, चाहे वो हैवी साड़ियाँ हो चाहे वो प्लेन साड़ी हो। तो आपके वार्डरोब में प्लेन ब्लाउज तो होने ही चाहिए। तो इसमें मैंने एक तो गोल्डन कलर पिक किया है, ये भी आपको स्लीवलेस पैडेड ब्लाउज देखने को मिलेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट पैड इसमें यूज़ किए गए हैं और इसमें आपको अंदर की साइड प्रॉपर कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। बैक क्लोजर है एंड स्लीव्स भी आपको अटैच देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनने आप स्लीव्स अटैच करा सकते हैं। तो ये है जो एक तो ये वाला ब्लाउज मैंने पिक किया, प्लस ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था प्लेन में, तो मैंने सोचा ये दो कलर होने चाहिए। मुझे यहाँ की क्वालिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है एंड अफोर्डेबल प्राइस में है, तो मैंने ये दो प्लेन ब्लाउज पिक किए। तो ये है टोटल 8 ब्लाउज का कलेक्शन जो मैंने यहाँ से परचेज किया है, जो अभी बिल्कुल यहाँ पे न्यू आया है वो सब मैंने पिक करने का ट्राई किया। तो गाइस आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड इनके जो सारे डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो, वहाँ पे आपको इनकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हो विदाउट एनी डाउट परचेज कर सकते हो मुझ पर ट्रस्ट करके, क्योंकि क्वालिटी को लेके प्लस किसी भी चीज़ को लेके आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। और कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा ब्लाउज कौन सा लगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड अगर यहाँ से और ब्लाउज देखना चाहते हो तो कॉमेंट करके बताना, मैं और भी आपके साथ आगे वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।